हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषि क्रोचिट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को तोरण का पट्टी बना के दिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाया और ऊल ज़्यादा नहीं लगता, टाइम भी कम लगता है और इसे कोई भी बना सकता है। मैंने बहुत आसान करके मैंने दिखाया और इतना कम समय लगता है कि थोड़ा सा टाइम में चार पांच फूल आप रेडी कर सकते हो। अगर ऐसे पट्टी बनाने के बाद आपको जैसा चाहिए आप लटकन बनाइए, यहाँ लगाइए लटकन, इधर लगाइए और जैसे आपको लटकन चाहिए आप डेकोरेट कर सकते हो। इसमें जो बहुत सारे तरीके से लटकन लगाता है ना, उसके बाद डेकोरेट करता है, ऐसे झूला झूला रहता है, तो उसको मैंने कैसे बनाया मेरा चैनल में दिया हुआ है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा चैनल में और भी बहुत सारा तोरण पट्टी का वीडियो है, मैंने एक तोरण पट्टी का प्लेलिस्ट बनाया हूँ, सब तोरण पट्टी का वीडियो तोरण पट्टी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रोशिया हुक ले लिया 3 mm यानी कि 11 नंबर क्रोशिया। अब देखिए मैंने 4 ply उल ले लिया, आपके पास जो है आप वही लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chain बना लिया। 5 chain बनाने के बाद देखिए लास्ट चेन में हम क्रोशिया डाला और यहाँ पे इस घर से निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे 3 chain लेंगे, 1, 2, 3 लूप लेंगे और ये जो चेन का होल है इसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। यही होल के अंदर, चेन की होल के अंदर टोटल हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि 3 की चेन साथ में गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, बाकी सब बना लेंगे, टोटल 12 डबल क्रोशिया होना चाहिए। तो देखिए मैंने टोटल 12 डबल क्रोशे बना लिया। अब ये जो धागा निकला हुआ है इसे काट देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो स्लिप स्टिच बना के जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 chain सॉरी 4 chain लेंगे, 2, 3, 4, 4 chain लिया, एक लूप स्किप करेंगे, नेक्स्ट लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1, 2, 3, 4, एक लूप स्किप करेंगे, नेक्स्ट लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, एक छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, एक छोड़ देंगे नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, एक छोड़ देंगे नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 4 chain लिया। अब क्या करेंगे, देखिए जहाँ मैंने स्टार्ट किया था उसी होल में डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, लेकिन सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोशिया चेंज कर लेंगे, नहीं क्रोशिया नहीं चेंज किया मैंने, वही क्योंकि ये जो है ना, ये मैंने चेन जो बनाया ना, छोटा छोटा चेन बनेगा, इसलिए मैंने 2 mm क्रोशिया लिया था, आपको नहीं बताया। अगर आपके पास नहीं है तो 3 mm क्रोशिया से भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा मोटा चेन बनता है, इसलिए मैंने ये 2 mm यानी कि 12 नंबर क्रोशिया मैंने चेंज कर लिया था। तो आप देखिए आप 3 mm ले लिया। अब इसे क्या होगा ना, पत्ती थोड़ा सा बड़ा बनेगा, देखिए स्लिप स्टिच किया और ये जो चेन का होल है इसी होल में डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक चेन लूप लेंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए 5 डबल क्रोशिया बना। इसके बाद एक चेन थोड़ा सा ऐसे खींचिए और इसी लूम में सिंगल क्रोशिया, तो देखिए पत्ती बन गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चेन है चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लूप लेंगे और इसी में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2,
चार और पांच, पांच बन गया डबल क्रोशिया। थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पे जगह मिल जाएगा सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, एक चेन और इसी होल में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए ये जो चेन है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और ये पांच। इसके बाद पांच चेन जैसे बन जाएगा, इसके बाद एक चेन लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। तो देखिए इसी तरह पत्ती को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एक दो तीन, तीन ही रह गया, तीन में बना लीजिए। देखिए मैंने पूरा सब पत्ती बना लिया। बना लेने के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे, इसे इसके लिए थोड़ा सा पतला क्रोशिया लेंगे ताकि जल्दी लूप ना उठ जाता है। देखिए जहाँ मैंने स्टार्ट किया था इसी जगह क्रोशिया डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। बनाया स्लिप स्टिच, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाया। पाँच चेन बना के बाद देखिए ऐसे पत्ती को ऐसे सामने की तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद देखिए जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये जो एक एक करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, तो वही दो लूप उठाएंगे ऐसे। देखिए मैं दिखा देती हूँ कौन सा लूप उठाना है, ये देखिए यही दो लूप उठाना है और यहाँ पे देखिए, इसीलिए थोड़ा सा पतला क्रोशिया लेना जरूरी होता है। ऐसे दो लूप उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए दो लूप उठाएंगे ऐसे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, तो कर दिया सिंगल क्रोशिया। फिर से पांच चेन, पांच चेन बनाने के बाद फिर से आप जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, इसके बाद पांच चेन, एक दो तीन चार और पांच। फिर से देखिए जोड़ेंगे यही दो लूप उठा के, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह। तो इसी तरह पूरा ये जो चेन का बॉर्डर है पूरा बना लेंगे। तो देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गई। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो पांच चेन बना लिया। बना लेने के बाद देखिए जहाँ मैंने स्टार्ट किया था ऐसे लूप को छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद देखिए जहाँ मैंने चेन बनाया था जस्ट नीचे उसकी ऐसे क्रोशिया डाला। क्रोशिया डालने के बाद ये जो लूप है ऐसे ले लेंगे। तो देखिए ऐसे पीछे की तरफ ले लेंगे। अब देखिए जुड़ गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो चेन है, देखिए ये जो नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाया सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन लेंगे, लूप लेंगे और इसी चेन के अंदर, सॉरी आप ना पत्ती बनाने के लिए ना थोड़ा सा मोटा क्रोशिया लेंगे ताकि पत्ती थोड़ा सा डबल क्रोशिया ना मोटा डबल मतलब कि मोटा काटा लेंगे ना क्रोशिया, तब ये डबल क्रोशिया बड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि ये पत्ता बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिए तो एक चेन लिया सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, लूप लेंगे और इसी चेन के अंदर छः डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बन गया, दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखिए इसमें पाँच बनाया था, इसमें छः आ गया। छः आने के बाद सेम तरीका सेम है, एक चेन लेके इसी चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, लूप लेंगे, लूप लेंगे इसी के अंदर फिर से छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः,
छः बन गया। इसके बाद एक चेन लेके इसी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह पूरा चेन में बना लेंगे एक एक पत्ती। देखिए मेरा सब पत्ती कंप्लीट हो गई। देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक चेन लेके अब यहाँ पे जोड़ देंगे। जहाँ मैंने स्टार्ट किया था देखिए उसी जगह क्रोशिया डाल के एक चेन लेके धागा को काट देंगे। धागा नहीं काटेंगे, चलिए ठीक है, धागा को काट दिया तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे और चेन बनाना था। अब धागा काटिए मत, ठीक है, गलती से मैंने काट दिया था। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ मुझे फिर से चेन बनाना है, तो इसी लूप को उठाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे धागा को। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चेन लिया। 5 चेन लेने के बाद देखिए यहीं पे जोड़ दिया, और जब मैं राउंड ख़त्म कर लूँगी तब इससे नॉट लगा के कट कर दूँगी। तो देखिए 5 चेन लिया, 5 चेन लेने के बाद सेम जैसे चेन का राउंड बनाया था सेम उसी तरह यही दो लूप उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब धागा काटिए मत, बस यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से ऐसे चेन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, गलती से कैंची हाथ में आ गया तो काट दिया, तो इसीलिए आप काटिए मत, आप ऐसे चेन का रो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए जो पत्ती बनाना है, तो पत्ती बनाने के लिए ये चेन का राउंड यहाँ पे देना पड़ता है, तो मैंने काट दिया था, आप काटिए मत। जब ये चेन का राउंड पूरा बन जाएगा तब काट दीजिए स्लिप स्टिच करके। तो फिर से 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेने के बाद फिर से वही करेंगे, लूप उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरा चेन का राउंड आप बना लीजिए। तो देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे जोड़ देंगे, इसी लूप उठाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन लेके आप धागा को काट देंगे। अब क्या करेंगे, तीनों धागा एक साथ हम बांधेंगे। अब देखिए यहाँ पे पत्ती बनेगा, दिखेगा नहीं, पीछे की तरफ रहेगा। अब देखिए ग्रीन कलर का मैंने ऊन ले लिया। आप क्या करेंगे, ये जो मैंने चेन बनाया, चेन का जो लूप है, देखिए मैंने यहाँ पे बांध लिया। बांध लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, 1 और 2। दो चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और इसी होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। और जो 2 चेन बनाया उससे मत अब साथ में गिनिए, उससे छोड़ दीजिए, बस डबल क्रोशिया गिनिए। 2 डबल क्रोशिया बन गया, 2 की चेन साथ में मत गिनिए, जस्ट 2 डबल क्रोशिया मैंने बनाया। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, दो बार धागा लिया, इसी होल में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मेरा क्रोशिया में 4 धागा है, सबसे पहले 2 निकालेंगे, उसके बाद 2 निकालेंगे, उसके बाद 2 निकालेंगे, 2 2 करके 3 बार धागा निकालना है। फिर से बनाएंगे 1 और 2, फिर से देखिए 2 धागा निकाला, फिर से 2 और फिर से 2, तो ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन लेने के बाद अब इसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए ये मैंने जोड़ दिया, कैसे जोड़ा मैं अभी तो दिखा देती हूँ, लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पूरा एक फूल को आप कंप्लीट बना लीजिए। सबसे पहले एक फूल ऐसे बना लीजिए कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर जब दूसरा आएंगे जोड़ेंगे कैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए कैसे जोड़ेंगे, पूरा फूल बन जाने के बाद ऐसे पत्ती बनाएंगे, पत्ती बन जाने के बाद एक चेन लिया। आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, रखने के बाद देखिए ये है 2 पत्ती। सबसे पहले हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, ऐसे उठाएंगे और क्रोशिया ऐसे डालेंगे, धागा देखिए इस तरफ है,
ऐसे फूल को सीधा रखिए और ऐसे क्रोशिया डालिए। क्रोशिया डालने के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया बना दिया, उसके बाद एक चेन। इसके बाद क्या करेंगे, लूप लेंगे फिर से, एक और दो, दो लूप लिया। देखिए इस तरफ दो ट्रिपल क्रोशिया है और इस तरफ इसी होल में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो धागा निकाला, दो, फिर से दो, एक और दो, फिर से देखिए, फिर इसी होल में फिर से बनाएंगे, दो धागा निकाला, दो, उसके बाद दो। आप बनाएंगे, देखिए स्टार्ट में किया गया था दो डबल क्रोशिया बनाया था, आप बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। पत्ती जब बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट होगा दो डबल क्रोशिया, उसके बाद दो ट्रिपल क्रोशिया, तो दो डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक दो, दो चेन लेंगे। देखिए स्टार्ट में मैंने दो चेन लिया था, जब हम जोड़ेंगे तब भी हम ख़त्म करेंगे दो चेन से। दो चेन लिया, इसी पत्ती के अंदर होल में सिंगल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेन लूम में जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक और दो, दो चेन लूप लेंगे, आप दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, दो डबल क्रोशिया बनाया। आप बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए एक बार धागा, दो बार धागा, इसी होल में दो धागा निकाला, दो धागा निकाला, लास्ट में दो, फिर से एक बार बनाएंगे, एक दो और तीन। आप क्या करेंगे, एक चेन लेके पत्ती को फिर से जोड़ेंगे। फूल को ऐसे सीधा रखिए और देखिए नेक्स्ट जो पत्ती है ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे और ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ देखिए इसके ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद एक चेन लेंगे, ठीक है, एक चेन लेने के बाद लूप लेंगे दो बार, फिर इसी के अंदर, क्योंकि मुझे पत्ती कंप्लीट करना है, आधा में मैं जोड़ दिया, इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया, एक बार देखिए दो बनाए, आप दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बन गया दो डबल क्रोशिया। देखिए मैंने स्टार्ट में भी दो डबल क्रोशिया बनाया था और लास्ट में भी दो डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन लिया था, यहाँ भी दो चेन लेके जोड़ देंगे, एक और दो, तो इसी होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब ये जुड़ गया है पत्ती, देखिए फूल जुड़ गया है। अब ये जो मतलब यानी कि स्टोन है, मतलब कि स्टोन नहीं है, मोती है, मैंने ऐसे ग्लू से मैंने चिपका दिया। आपके पास ग्लू गन है तो भी चिपका दीजिए, कोई भी ग्लू से चिपका दीजिए। तो अब क्या करेंगे, दूसरा पत्ती बनाएंगे, अब जोड़ना नहीं है, अब बस पत्ती बनाना है। नेक्स्ट चेन में आएंगे सिंगल क्रोशिया, एक और दो चेन, इसके बाद दो डबल क्रोशिया, एक बना और ये दूसरा, इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, दो बार लूप लिया। लूप लेने के बाद देखिए एक बार धागा निकाला, दो दो करके दो बार, ये तीन बार, फिर से देखिए एक दो और तीन। इसके बाद दो चेन लेंगे, देखिए यहाँ पे एक चेन लेके मैंने जोड़ा था, इसीलिए एक चेन लिया था, जोड़ने के बाद फिर से और एक चेन लिया। तो क्या करेंगे, आप लूप लेंगे, फिर से देखिए इस तरफ भी दो ट्रिपल क्रोशिया है, दो चेन लेने के बाद इस तरफ भी दो ट्रिपल क्रोशिया आना चाहिए, एक दो तीन, हो गया दो ट्रिपल क्रोशिया। आप बनाएंगे डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक और दो, बन गया दो। आप दो चेन, इसी लूम में सिंगल क्रोशिया, तो देखिए ये पत्ती बन गया। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार। आप लेंगे दो चेन बीच में, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, दो धागा निकाला, दो धागा निकाला, दो धागा निकाला,
दो डबल क्रोशिया, दो चेन, अब इसी लूप में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह जितना सारा है और तो दो ही बनेगा, बन गया पूरा, एक और दो, दो बना लीजिए। तो देखिए पूरा पत्ती मैंने बना लिया, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए जहाँ मैंने दो चेन लिया था उसी जगह क्रोशिया डाल के एक चेन लेके धागा को काट देंगे। देखिए धागा को काटने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए ये जो धागा है 4-ply धागा है, नहीं 4-ply तो नहीं है, ये 3-ply धागा है। तो ठीक है एक साइड दो देता हूँ, और नहीं नहीं 4-ply है, बाप रे बाप कितना पतला है, समझ नहीं आ रहा। ये 4-ply धागा है, ऐसे दो दो धागा। देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे देखिए दो निकाला धागा, अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे, एक लूप उठाएंगे इसी इसमें ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे दोनों को। अब देखिए पट्टी बन गया तोरण पट्टी का। आपको जितना लंबा चाहिए पट्टी, आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप ऐसे फूल बना लीजिए और जोड़ते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा ये पट्टी फूल वाला। आप क्या करेंगे यहाँ पे मोती लगा लेंगे। जहाँ मोती वगैरह मिलता है वहीं पे मिल जाता है ये चिपकाने वाला। अब ऐसे एक घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा एक घंटा छोड़ दीजिए। तो इसी तरह पुट्टी बना लीजिए, जितना लंबा चाहिए बना लीजिए, और किसी की अगर आप चाहते हो तो एक एक कलर में बना सकते हो, एक कलर में बना सकते हो, जैसे आपका मर्जी बना लीजिए।